हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबका स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कोरोना का कहर जारी, बुधवार को एक दर्जन कोरोना संक्रमित मिले। प्रशासन ने शहर के आधा दर्जन इलाके सहित एक दर्जन कंटेनमेंट जोन घोषित किया। कोरोना की काली याद, एक वर्ष पूर्व 7 अप्रैल 2020 को थम गई थी दुनिया, सहम गए थे लोग, एक वर्ष बाद भी कोरोना रिटर्न्स का खतरा। और सपना ओवर ब्रिज का बात, सब्जबाग की उम्मीद ऊपर से गाड़ियां तेज से चलने की, लेकिन वर्तमान में रेलवे गुमती के पास भीषण जाम से हर कोई हलकान। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज, इंतजार किसका? जाएं सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक के सर्राफ, रीढ़ हड्डी नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। खुल गया, खुल गया, खुल गया लोन पे फोन, सिद्धि मोबाइल मॉल। लोन पे फोन 0% ब्याज पर ओप्पो, नोकिया, सैमसंग सहित सभी कंपनी के मोबाइल उपलब्ध हैं। मूसा शाह सिटी सेंटर, टावर चौक। मोबाइल नंबर 8292227569। तो आज ही लीजिए लोन पे फोन 0% ब्याज पर। अब जूनियर क्लास यानी क्लास 7 से लेके 12th की बोर्ड के प्रिपरेशन के साथ साथ नेशनल लेवल के एग्जाम जैसे नीट और जेई का प्रिपरेशन करें आइडियल पाथ के साथ। इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार फिजिक्स गुरु के सर द्वारा संचालित। हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा उपलब्ध। उमा सिनेमा के सामने गोरा डिजाइनर की बिल्डिंग में नाका 5 के निकट दरभंगा। मोबाइल नंबर है 9308296082 एवं 8409833709। और अब समाचार विस्तार के साथ। कोरोना के बढ़ते मामले के बाद दरभंगा में एक दर्जन कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। जिलाधिकारी ने इस संबंध में आशय की सूचना दे दी है विभिन्न विभागों को। आधा दर्जन कंटेनमेंट जोन दरभंगा शहर में है, जहां के मरीज कोरोना वार्ड में भर्ती है। एक दर्जन मामले बुधवार को भी और कोरोना संक्रमित बढ़ने से लगातार हड़कंप है। हालांकि बाजारों पर इसका कोई असर नहीं है, लेकिन जो ग्राफ है कोरोना का, जो आंकड़ा है, वह डराने वाली है। कोरोना की दूसरी लहर, महाराष्ट्र से आई हवा, उसका कहर कई ट्रेनों में लगातार जो वहां से आएंगे मुंबई से, उन्हें क्वारंटीन करने का आदेश राज्य सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन की ओर से दिया गया। कोरोना का कोहराम जारी है। बुधवार को एक दर्जन कोरोना पॉजिटिव मिलने से कोई राहत नहीं आई। जिलाधिकारी ने अपने आदेश में कंटेनमेंट जोन घोषित किया है और ये जोन एक दर्जन जगहों पर है, जिसमें दरभंगा शहर के आधा दर्जन मोहल्ले इलाके, लक्ष्मी सागर, नाका नंबर 6, मिर्सिकार टोला, रहमगंज, उर्दू बाजार, भीगो, हॉस्पिटल रोड इत्यादि दरभंगा शहर का इलाका है। तो दिलावरपुर, गंगवाड़ा, इनाई, घनश्यामपुर, गौरा मानसिंह, महुली, बड़ियौल, खिरमा और लदारी इत्यादि ग्रामीण इलाके। जिलाधिकारी ने अपने आदेश में कहा है कि कंटेनमेंट जोन के अंदर जाने वाले सभी मार्गों को अगले आदेश तक सील किया जाए। क्षेत्र के अंदर से कोई भी व्यक्ति न तो बाहर जाएंगे, न ही बाहर से इस कंटेनमेंट क्षेत्र में आएंगे। एसडीओ और डीएसपी अपने स्तर से कंटेनमेंट जोन में स्वास्थ्य विभागीय प्रोटोकॉल का अनुपालन करेंगे। यादें, एक वर्ष पहले कंटेनमेंट जोन की, जब बांस बल्ला लगाकर घेरा जाता था, कागज पर यह कार्रवाई शुरू हुई है और अगर अब भी न समझे तो इसकी पुनरावृत्ति होगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता।
नगर आयुक्त को कहा गया है अंचलाधिकारी को कि उपरोक्त कंटेनमेंट एरिया में आवागमन पूरी तरह निषेध किए जाने हेतु सभी मार्गों को बांस बल्ले से पूर्णतः अवरुद्ध करें, उसकी चारों तरफ की घेराबंदी सुरक्षित रखें, अवरुद्ध मार्ग को बैरिकेटिंग कर बैनर लगाना भी सुनिश्चित करेंगे। पुलिस अधीक्षक दरभंगा से अनुरोध किया गया है कि कंटेनमेंट एरिया के अंदर क्षेत्र में और इसके बाहर के क्षेत्र के अंदर आने जाने का हर प्रकार का आवागमन पूरी तरह से निषेध कराएंगे। बाहर से कंटेनमेंट एरिया के अंदर एवं अंदर से बाहर आ जाकर आदेश का उल्लंघन करने पर आईपीसी एवं अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में सैनिटाइजेशन कराने की जिम्मेवारी नगर आयुक्त और ग्रामीण इलाके में प्रखंड विकास पदाधिकारी को दी गई है। होम डिलीवरी, कंटेनमेंट एरिया के भीतर खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी कराया जाना आवश्यक है। डिलीवरी का कार्य एसडीओ अंचलाधिकारी के सहयोग से कराएंगे। इसमें जन वितरण प्रणाली को भी लगाया जाना है। बफर जोन बनाया गया है। कंटेनमेंट एरिया के परिधि से 200 मीटर की परिधि को बफर जोन घोषित किया गया है। मालूम रहे कि जिले में पहला जो मरीज मिला था उसके बाद से ग्रामीण इलाका का एक भाग और दरभंगा शहर का एक भाग पूरी तरह सील किया गया था 21 दिनों के लिए, और ऐसी पुनरावृत्ति इसकी पुनः संभावना और इसके तहत पहला आदेश इस साल कंटेनमेंट जोन एक दर्जन जगहों पर, भले ही आपको वह दिखे नहीं लेकिन कागज पर जिला प्रशासन ने इसकी पूरी व्यवस्था कर दिशा निर्देश जारी कर दिया है। कोरोना का कोहराम यही है। इधर जिला पदाधिकारी ने राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में पुनः बैठक की। मुंबई से आने वाली वो चाहे वह ट्रेन हो या फिर हवाई जहाज, जिनके पास कोरोना चेकिंग का, कोरोना टेस्ट का सर्टिफिकेट नहीं है, उन सभी का कोरोना टेस्ट कराने का निर्देश उन्होंने दिया। उसके बाद अगर वो पॉजिटिव मिलते हैं तो सरकारी क्वारंटाइन सेंटर या होम क्वारंटाइन सेंटर में जाए। इस संदर्भ का आदेश जिलाधिकारी ने दिया है। और इसके साथ ही मुंबई से आने वाली दो ट्रेन और फ्लाइट में प्रतिदिन सभी यात्रियों का कोरोना चेकिंग और जो पॉजिटिव मिले उन्हें क्वारंटीन करने का आदेश दिया है। कोरोना की काली याद, एक वर्ष पहले लगातार संघर्ष, अगर हम याद करें 7 अप्रैल 2020 को, ठीक एक वर्ष पहले हम कहां थे? ठहर गई थी जिंदगी, ठहर गई थी दुनिया, और सुनसान सड़कों पर जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद 7 अप्रैल 2020 को। दो सप्ताह बीता था 21 दिन के लॉकडाउन में, एक सप्ताह का इंतजार था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हमारी कुर्बानी, हमारा त्याग, उसके बदौलत हमने जिंदगी की गाड़ी को आगे तो बढ़ा दिया, लेकिन इतने लापरवाह हो गए कि कोरोना रिटर्न्स का डर फिर सताने लगा है। डरावनी याद, काली याद, 7 अप्रैल 2020 की याद। कोरोना का कोहराम लगातार एक वर्ष बाद भी, याद करें हम एक वर्ष पहले 7 अप्रैल 2020 को कहां थे, स्थिति यह थी। वो काली याद जिसे याद करना जरूरी, क्योंकि कोरोना रिटर्न्स का जो भय है वह सताने लगा है, डराने लगा है, एक वर्ष पहले की याद दिलाने लगा है। सुनी सड़कों पर प्रशासन के लोग जद्दोजहद करते और जिंदगी बचाने की कोशिश, घरों में कैद, एक कर्फ्यू का माहौल ही जिसे लॉकडाउन का नाम दिया गया, लेकिन जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में सड़कें सूनी हो गई। पुलिस कर्मियों को, प्रशासन के लोगों को भार दिया गया कि इन सड़कों को सूनी रखें, और किसी तरह जो समाज सेवी लोग हैं प्रशासन के सहयोग से किसी को ढूंढते कि कोई भूखा ना रहे, ये कोरोना काल के समय में मानवता की पुकार थी। लेकिन इस जद्दोजहद के बीच का लाठियां भी खानी पड़ी, फजीहत भी झेलनी पड़ी, किसी को उठा बैठक भी करनी पड़ी, कई तरह की बातें हुई, लेकिन ये सब हमारी और आपकी जिंदगी के लिए, जिंदगी बचाने के लिए, कोरोना से जंग जीतने के लिए जद्दोजहद कि आप सोशल डिस्टेंस बनाएं, मास्क लगाएं, भीड़ न लगाएं, जिंदगी की कीमत को समझिए, अहमियत को समझिए, अपनी जान बचाइए। 7 अप्रैल 2020 की ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, याद कीजिए
कितने भयावह स्थिति में थे हम और आप, लेकिन आज हम और इतने आप इतने लापरवाह हो गए कि कोरोना रिटर्न्स का भय सताने लगा है। इन लड़कों की उठा बैठक इसलिए कि आइंदा आप अपने घर में रहे कोरोना के भय को समझिए, कोरोना के कोहराम डर को समझिए, घर में रहिए, घर में रहिए, घर में रहिए। कोरोना की वो काली याद, डरावनी याद, एक वर्ष पहले 7 अप्रैल 2020 की वो तस्वीर जहां सड़कों पर निकलना जुर्म था, आगे से न निकले, दूसरों के लिए नहीं अपने लिए परिवार के लिए जान बचाइए, कोरोना के कोहराम को समझिए, जिंदगी की अहमियत को समझिए। जहां तक नजर जाती है सड़कें सूनी, मानो मानवता क्या इंसान का निशान नहीं, लेकिन कहीं कहीं यहीं पर मानवता भी दिख जाती थी, सरकार भी दिख जाती थी। इन सूनी सड़कों पर कोरोना काल में ये बांस बल्ले भी दिख जाते थे, जाना मना है, ये कंटेनमेंट जोन है। जी हाँ, सबों को उठाने वाले नहीं मिल रहे थे, किसी के घर में कोई मेहमान आ जाए तो फिर कंट्रोल रूम में खबर जाता था और पुलिस आती थी, कंटेनमेंट जोन जहाँ क्वारंटीन सेंटर था उसे ले जाया जाता था। 14 दिन सुरक्षित रहा तो सब ठीक ठाक, अन्यथा 14 दिन हाथ पैर फूलने लगते थे परिवार के सदस्यों को, पड़ोसियों को। ये कोरोना की काली याद है, ये कोरोना के समय की सूनी सड़कें हैं, लेकिन समय गया नहीं, कोरोना काल अभी भी है। 1 लाख से ऊपर मरीज एक दिन में भारत में मिला, यह पहले रिकॉर्ड को भी पार कर गया। मुंबई से कोरोना का कहर, उसके झोंके ने पूरे भारत को हिला कर रख दिया। ये लापरवाही है और इस लापरवाही में जो हमारी कुर्बानी है, त्याग है, वे सराबोर हो रहा है, धूमिल हो रहा है। जरूरत है कोरोना को परास्त करने के लिए एक और वैक्सीनेशन में तेजी, टेस्टिंग में तेजी लाने की, तो दूसरी ओर सोशल डिस्टेंस बनाने की, मास्क लगाने की, 2 गज की दूरी अपनाने की। ऐसा दृश्य जिलाधिकारी ने 1 दर्जन जगहों के ऊपर पुनः इस तरह का कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है, लेकिन इसमें बढ़ोतरी न हो, आम जनजीवन किसी तरह सामान्य न भी हो तो सुरक्षित हो, ये सामूहिक जिम्मेवारी। कागज पर जो आदेश है उसे प्रैक्टिकल रूप में लाने की जवाबदेही और इस तरह का दृश्य अपनाना न पड़े, कोरोना रिटर्न्स का खतरा न हो, ये हम सब की जवाबदेही। जंग अभी बाकी है, उन यादों को ताजा कर लीजिए जो डरावनी है, काली है। 7 अप्रैल 2020 को हम कहाँ थे, आज हम कहाँ हैं, लेकिन फूंक फूंक कर कदम रखना है, जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए जिंदगी की अहमियत को समझना है, कोरोना के कोहराम को समझना है, तभी जंग जीती जा सकती है। सरकार द्वारा वैक्सीनेशन को एक कदम आगे बढ़ाते हुए बहादुरपुर PHC द्वारा कबीरपुर स्थित महादेव मंदिर में शिविर लगाकर कोविड वैक्सीन लगाया गया 170। जहां एक तरफ कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ वैक्सीनेशन की भी तेज गति से इसकी पकड़ बन रही है। सरकार द्वारा वैक्सीनेशन को एक कदम आगे बढ़ाते हुए बहादुरपुर PHC द्वारा कबीलपुर स्थित महादेव मंदिर में शिविर लगाकर कोविड वैक्सीन के 170 लोगों को दिया गया। बच्चों में होने वाली AES नामक बीमारी से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी सुझाव का व्यापक प्रचार प्रसार करने को लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक हुई। बच्चों की बहुचर्चित बीमारी AES से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी सुझाव का व्यापक प्रचार प्रसार करवाने को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। सिविल सर्जन डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि मुजफ्फरपुर जिला और उसके आसपास के जिला में अप्रैल से बड़े बरसात प्रारंभ होने तक AES का प्रकोप रहता है। इस बीमारी के चपेट में 0 से 6 से 7 साल के बच्चे आते हैं। जिला में अभी तक AES का केस नहीं मिला है। वर्ष 2018 में एक केस मुजफ्फरपुर में मिला था, जिनका पैतृक आवास दरभंगा जिला के जाले में है। जिलाधिकारी ने कहा
कि जिले में इस बीमारी का प्रकोप नहीं रहा है, फिर भी AES बीमारी के प्रकोप से बच्चों को सुरक्षित रखने हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी सुझाव का जिला में व्यापक प्रचार प्रसार करवाया जाए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी सुझाव में बच्चों को रात में खाली पेट नहीं रखना, रात में कुछ मीठा भोजन अथवा ग्लूकोज पिलाना, अपने आवास के आसपास साफ सफाई रखना एवं बच्चों की सफाई पर ध्यान देना शामिल है। साथ ही AES की चपेट में आने वाले बच्चों को खुली हवा में रखते हुए तुरंत अस्पताल ले जाना, ओझागुनी के चक्कर में न पड़ना, उन्होंने आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, आशा, जीविका दीदी एवं महिला प्रवेक्षिका एवं विद्यालय के माध्यम से घर घर लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए। इसके लिए हैंडबिल, पोस्टर, दीवार लेखन एवं होर्डिंग्स, फ्लैक्स का प्रयोग करने के निर्देश संबंधित विभागों को दिया गया। और प्रमंडलीय आयुक्त जो तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त हैं, उन्होंने दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त का पदभार ग्रहण किया बुधवार। दरभंगा के नए प्रमंडलीय आयुक्त के रूप में डॉक्टर मनीष कुमार ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया। वे वर्तमान में तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर के प्रमंडलीय आयुक्त हैं और दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त के रूप में अतिरिक्त प्रभार इन्हें सौंपा गया है। प्रमंडलीय आयुक्त के पदभार ग्रहण के अवसर पर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। नए प्रमंडलीय आयुक्त के आते ही उन्हें पुलिस के जवानों के द्वारा सबसे पहले गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रमंडलीय आयुक्त ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तिरहुत मंडल और दरभंगा प्रमंडल दोनों मिलाकर इसमें 4 करोड़ जनता समाहित है। नए प्रमंडलीय आयुक्त के यहां आते ही काफी हरकत में दिखे अधिकारी और पदाधिकारी भी। प्रमंडलीय कार्यालय के सभागार से लेकर न्यायालय आयुक्त के सचिव, अभिलेखागार, अन्य कई विभागों का निरीक्षण किया। प्रमंडलीय कार्यालय से लेकर बाहर तक आए कई और देखे भी गए। संबंधित विभागों के संबंध में अवगत होते हुए कई दिशा निर्देश भी उन्होंने दिया। साम्राज्य मिथिला संस्कृति का केंद्र रहा है, महाराज जनक के द्वारा भी शासित रहा है, तो इसकी जो समृद्ध परंपरा है, वैभवशाली परंपरा है, उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और दरभंगा आज आपके पास अपना एयरपोर्ट है, तो आप इसे अब विश्व स्तरीय सिटी बनाने में भी हम लोग कुछ कोशिश तो करेंगे ही। तो आप तिरहुत प्रमंडल के भी कमिश्नर हैं। हाँ, मिथिलांचल का एज ए मेन विंग कहा जाता है, राजधानी दूसरी कहा जाता है। हाँ, तो आप अपनी नज़र में क्या प्राथमिकता देंगे इसको? तिरहुत और मिथिला में परस्पर संबंध है, जैसे भगवान राम और सीता थे, तो दोनों के मतलब मिलके परस्पर, दोनों का परस्पर ही विकास होगा। जो आज जो दरभंगा का एयरपोर्ट है, तिरहुत प्रमंडल के लिए भी काम आ रहा है। तिरहुत प्रमंडल में काफ़ी सारी संभावनाएं हैं, तो दरभंगा के लोगों के लिए रोजगार वगैरह में तिरहुत प्रमंडल भी काफ़ी काम आ रहा है। तो दोनों मिलके सारी बहुत अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लगभग दोनों प्रमंडल मिला के लगभग 1,250,000 हेक्टेयर की जमीन है, जिसमें लगभग 4 करोड़ जनता समाहित है। तो यहाँ दोनों के परस्पर सहयोग से बहुत चीज़ें हो सकती हैं। पुलिस की टीम ने जिले के कई क्षेत्रों में किया शराब के ठिकाने पर छापामारी और शराब के साथ कारोबारी भी हुए गिरफ्तार। पुलिस की टीम ने जिले के कई क्षेत्रों में किया शराब के ठिकाने पर छापेमारी और शराब के साथ कारोबारी को भी गिरफ्तार किया गया। 11-12 बजे रामसल्ला में दो स्थान पर छापेमारी की, एक था रमसल्ला में, हम लोग रमसल्ला में रेड किए हैं मुशहर टोली में, जहां से हम लोग को भारी मात्रा में शराब बरामद हुआ है और गुड़की नष्ट किए हैं। नदी के किनारे शराब बना रहा था, अरेस्टिंग तो नहीं है, सब लोग छापामार दल को देख करके भाग गया, जहां से हम लोगों को लगभग 650 kg जावा महुआ मिला है और 12 लीटर चुलाई शराब मिला है। फिर उसके बाद शाम में लहरिया सराय में बाकरगंज है भगवती स्थान के पास, वार्ड नंबर 39, वहाँ पे 3 अरेस्टिंग है, जहाँ पे लगभग शराब है सो विदेशी शराब है 19.41 लीटर और 27.9 लीटर देसी शराब बरामद हुआ है। बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे लेके। सभी लोगों को नमस्कार। आज हम लोग इस घड़ी में हम आपके साथ संवाद कर रहे हैं, जब
देश के कई हिस्सों में कोविड का प्रकोप बढ़ते जा रहा, राज्य के कई हिस्सों में भी कोविड का प्रकोप बढ़ रहा। हमारे जिले में भी धीरे धीरे पॉजिटिविटी रेट यानी जो दर, जो वृद्धि दर है वो बढ़ रहा है। ये चिंताजनक है। एट द सेम टाइम हम सबको सचेत रहने का जरूरत है। सरकार द्वारा बार बार अपील की जा रही है कि मास्क और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी मास्क के साथ सामाजिक दूरी हमेशा जब भी घर से बाहर निकलें हम सब लोग पालन करें। वैक्सीनेशन भी लगातार दिए जा रहे हैं, उसमें मैं अनुरोध करूंगा आप सबसे कि वैक्सीनेशन बिना कोई हेजिटेशन से लें, किसी प्रकार के अफवाह में मत आएं। वैक्सीनेशन बहुत सुरक्षित है, मैं स्वयं भी लिया हूँ और कई लोग लिए चुके हैं, कहीं भी कोई रिएक्शन अभी तक नहीं आया। वैक्सीनेशन से हम इन्फेक्शन का जो स्प्रेड है वो रोक सकते हैं और इन्फेक्शन का जो गंभीरता है वो भी कम होता है। हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो लोग सुरक्षित रहते हैं। इसके अलावा अभी सरकार द्वारा कुछ निर्देश जनहित के लिए लिए गए हैं, कुछ निर्णय लिए गए हैं, महत्वपूर्ण यह है किसी भी प्रकार के सार्वजनिक आयोजन नहीं होगा, केवल शादी विवाह, शराब और पारिवारिक कार्यक्रम छोड़कर। शादी विवाह में भी 250 और शराब कार्यक्रम में 50 लोगों का अधिकतम लोग भाग ले सकेंगे। सभी प्रकार की कोविड संबंधित निर्देशों का पालन करते हुए कभी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हम चलते हैं तो उस वाहन की क्षमता 50% से ऊपर अलाउड नहीं किए जाएंगे। और लगातार प्रशासन द्वारा चेकिंग प्रारंभ की गई है, कंटेनमेंट जोन्स बनाए जा रहे हैं जहाँ केसेस मिल रहे हैं, टेस्टिंग बढ़ाए जा रहे हैं, सभी प्रकार की कार्रवाई जो उचित है और आवश्यक है वो किया जा रहा है। अब सबसे निवेदन है कि हम सब मिलकर के कोविड संबंधित जो सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्देशों को पालन करेंगे और इस बार भी सेकेंड वेव जो हमें हमारा सामने है उसको भी हम हराएंगे और हम सब लोग मिलकर के स्वस्थ समाज बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन, ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरा सराय, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना का कहर जारी, बुधवार को एक दर्जन कोरोना संक्रमित मिले। प्रशासन ने शहर के आधा दर्जन इलाके सहित एक दर्जन कंटेनमेंट जोन घोषित किया। कोरोना की काली याद, एक वर्ष पूर्व 7 अप्रैल 2020 को थम गई थी दुनिया, सहम गए थे लोग, एक वर्ष बाद भी कोरोना रिटर्न्स का खतरा। और सपना ओवर ब्रिज का बाद सब्जबाग की उम्मीद, ऊपर से गाड़ियां तेज से चलने की, लेकिन वर्तमान में रेलवे गुमती के पास भीषण जाम से हर कोई हलकान। मधुबनी नरसंहार का मुख्य आरोपी प्रवीण झा अपने कई साथियों के साथ गिरफ्तार हो गया। कुछ दिनों पहले प्रवीण झा के घर पर पुलिस टीम के द्वारा कुर्की जब्ती की गई थी, जहां से कुछ आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया गया।
इधर इस हत्याकांड को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने दौरा किया था, सरकार पर दबाव बनाया था, काफी आलोचना की थी सरकार के। मधुबनी बेनीपट्टी मोहम्मदपुर घटना का मुख्य आरोपी प्रवीण झा अपने कई साथियों के साथ गिरफ्तार हुआ। प्रवीण झा की गिरफ्तारी मंगलवार को ही नेपाल में हुई थी। प्रवीण झा के साथ भोला सिंह, चंदन झा, कमलेश सिंह, मुकेश साफी भी गिरफ्तार हुआ। प्रवीण झा का भाई नवीन झा अभी तक पुलिस की गिरफ्त से फरार है। कुछ दिन पहले प्रवीण झा के घर पर पुलिस की टीम के द्वारा कुर्की जब्ती की गई थी, जहां से कुछ आपत्तिजनक सामान और हथियार बरामद किए गए थे। होली के दो दिन बाद आपस में कुछ झड़प हुई थी और झड़प बुधवार को विकराल रूप ले लिया और उसी दौरान एक महिला चोटिल हो गई। डीएमसीएच पहुंचने के बाद कुछ ही देर में उसने दम तोड़ दिया, जिसके बाद हंगामा मच गया और पुलिस को विधि व्यवस्था बनाने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। डीएमसीएच के इमरजेंसी विभाग में एक मामला सामने आया, जिसमें डीएमसीएच में हंगामा होने लगा। घटना के संबंध में बताते चले कि बहादुरपुर थाना क्षेत्र के अब्दुल्लापुर में एक परिवार पर कुछ लोगों ने हथियारों के साथ हमला कर घायल कर दिया। अब्दुल्लापुर के रहने वाले रोहित कुमार ने बताया कि बुधवार की सुबह कुछ लोगों की ओर से अचानक हथियार के साथ हमला कर दिया गया। अचानक हुई इस हमले में कई लोग घायल हो गए, जिनका इलाज डीएमसीएच में चल रहा है। बताया जाता है कि घटना में घायलों में कई महिला भी शामिल है, जिनका इलाज चल रहा। अब्दुल्लापुर निवासी पीड़ित महेश यादव ने बताया कि छोटी सी बात थी, आपसी में झड़प था, यह होली से एक दिन पहले की घटना है और उसके बाद यह देखते ही देखते दूसरा रूप ले लिया और रंगत यह हो गई कि इसमें कई चोटिल हो गए। महेश यादव ने कहा कि यह छोटी सी घटना थी और बच्चों के बीच झड़प हुआ था, मामला शांत हो गया था, फिर घर में घुसकर कुछ लोगों ने बेटी भतीजी पर भी हमला कर दिया। महेश यादव का कहना है, कोई विवाद नहीं था, छोटी सी बात ही, बच्चों के बीच झड़प का मामला, कोई बात रखी जाती तो पंचायत में बात रखी जा सकती थी, इस तरह से हमला नहीं करना चाहिए था। मंटू यादव, बिल्टू यादव, विकास यादव, संतोष यादव सहित कई लोगों पर घर में घुसकर मारपीट कर घायल किए जाने का आरोप लगाया गया है। फिलहाल पुलिस इसकी जांच कर रही है। घटना के संबंध में स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। हालांकि एक तरफ से यह बातें कही जा रही है कि यह आपसी झड़प है, लेकिन दूसरी तरफ से यह बातें आ रही है कि बच्चों की छोटी सी नोक झोंक ने बात को इतना बढ़ाया कि तिल का तार बनता चला गया और यह होली से एक दिन पहले की घटना है, यानी 29 मार्च की घटना है और आज कहें तो 7 अप्रैल, यानी इतने दिनों के बाद यह झड़प, यानी धीरे ही धीरे यह सुनते सुनकती आग बन गया और इसमें कई लोग चोटिल भी हो गए, एक महिला भी घायल हो गई, जिसे डीएमसीएच में भर्ती कराया गया और वह इलाज के दौरान ही उसने अपना दम तोड़ दिया, जबकि 4 से 5 लोग और घायल है और जिनका इलाज चल रहा है। महिला की मौत के बाद परिजनों ने डीएमसीएच में जमकर बवाल काटा, कई थाने की पुलिस पहुंची शांत कराने को लेकर, लेकिन मृतक के परिजन थे कि मानने को तैयार नहीं थे और शव पुलिस को सौंपने को तैयार नहीं थे। अंत में डीएसपी अनोज कुमार दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे और समझा बुझाकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। हालांकि पुलिस इस संबंध में कह रही है कि इस विवाद को लेकर आपसी झड़प थी और जांच चल रही है। सब घर पे आया, सीधे हम थे, मम्मी थी, एकदम पीटना सीधे शुरू किया, रॉड लोहा और तलवार वा सब रखे हुआ थे, सीधे आया खंती उन्ती सब से एकदम पीटना शुरू कर दिया। कौन पीटना शुरू कर दिया? नंदकिशोर यादव, गंभीर यादव, संतोष था, उसके बाद ये क्या कहते हैं बिरजू, मंटू यादव, बिल्टू यादव सब था, उसके पीछे और 5-10 आदमी था, विकास कुमार। कहाँ पर? घर पे, हमारे घर पे, और उसके बाद ओपन चैलेंज देता है कि हमारा भाई बिहार पुलिस है, हमारा चाचा बिहार पुलिस है, जिसको क्या घटना, क्या घटा था सो बताइए ना, क्यों मारा गया, क्या दूध नापे के लिए हमारा घर में भंसा को देहाती वो बड़का बेटा है को भतीजी रहा सब के खून को दला खाने ये वो परिवार अपन खून भोग गया है। हमने खुद के मार दे पे दूध ना, कोई नहीं रहा, कोई ना रहा,
पहले से क्या विवाद है? कुछ विवाद नहीं, होली दिन भैया अपना में झंझट हुआ था, हम घोड़े का है आज सर। ओ भाई तो गलती मान लो, हमारा के बेटा गलती कर गया, पैसा दिन बीच में पैसा बो हम जब दे रहते हैं जब से नहीं दूध ना पे हमारा परिवार का क्या नाम है जल को खून को दे ला। अब हमारा की कोई पुलिस जगह पहले स्पीड ये की मारो जी, पुलिस सब लोग यहां पे बिकता है। आज भी जाके लूट पाट किया, ये सामान ले लिया, वो सामान लिया, इस चीज का निरीक्षण जाँच होना चाहिए कि नहीं हमारे थाना के जरिए? वो जाँच नहीं हुआ, जाँच होने के बाद, जाँच होने के बाद आज तक हमारे प्रशासन एक बार भी नहीं गया, संलिप्त है उसको मैं किसी भी कीमत से सिर से सिर गिरफ्तार करके सिर से कड़ी कार्रवाई करूंगी। मॉडर्न कोचिंग सेंटर के छात्रों ने मैट्रिक की परीक्षा में बाजी मारी, 50 से अधिक छात्र छात्राओं ने 350 से अधिक अंक प्राप्त किया। मॉडर्न कोचिंग सेंटर के छात्रों ने मैट्रिक की परीक्षा में बाजी मारी, 50 से अधिक छात्राओं ने 350 से अधिक अंक प्राप्त किए। जो बहुत ही यह पुराना संस्थान है, ऐसे 2009 में इसकी स्थापना हुई, जो लगातार कई वर्षों से मैं सेवा करते हुए आ रहा हूँ और मुझे अपने मेहनतों का जो फल मिल रहा है बहुत ही वो अच्छे ढंग से मिल रहा है, क्योंकि इस कोरोना महामारी में भी मैंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, जो सरकार के गाइडलाइंस को भी मैंने माना। और इस बार जो 2021 में जो मेरे संस्था का जो रिजल्ट रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा। मैट्रिक परीक्षा में ठाकुर ट्यूटोरियल धोई के 96% छात्रों ने अपनी सफलता हासिल की। वहीं इंस्टीट्यूट के अंजलि कुमारी ने गणित विषय में 100 में 100 अंक लाकर अपनी मेधा का डंका बजा दिया। इस बार की मैट्रिक परीक्षा में संस्थान के कुल 70 विद्यार्थी शामिल हुए थे, इनमें 30 छात्र एवं छात्रा की संख्या 40 थी। परीक्षा में 45 छात्र छात्राओं को प्रथम स्थान मिला है। शुभकामनाएं के साथ, अभी रिजल्ट की प्रक्रिया जो हुई थी बहुत ही अच्छी रही है। इस बार के बिहार बोर्ड ने बहुत ही अच्छा कॉपी चेक किया, बहुत ही अच्छा मार्क्स दिया है। हमारे इंस्टीट्यूट का ये मार्क्स बहुत अच्छा रहा है। हमारे इंस्टीट्यूट सबसे अधिक मार्क्स अंजलि कुमारी 447 मार्क्स लाई है। इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारा मेहनत किया था और स्टूडेंट ने भी बहुत सारा मेहनत किया था। कोरोना रहते हुए भी हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास जारी रखा और ऑनलाइन अपने वेबसाइट के माध्यम से ही हम लोगों ने ऑनलाइन पढ़ाई के साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट परीक्षा भी जारी किया था, जिसका परिणाम हम लोगों ने देखा कि अच्छा ही रहा है। और बात रेलवे ओवरब्रिज बनने की आस और उसके नीचे रेलवे गुमती के पास की, जी हाँ जद्दोजहद, जरा देखिए किस तरह सब्ज बाग दिखाने की बात, प्रपोजल स्वीकृत और आवंटन की बात। लेकिन बहरहाल अगर हम इस दशक में, इस शताब्दी में बात करें तो एक ओवरब्रिज कठलवाड़ी जिसकी मरम्मती हुई है, 7 अभी सैंक्शन है, लेकिन जरा देखिए कि जब तक ओवरब्रिज की नींव पड़ेगी, उद्घाटन होगा, किस तरह रेंग रही है गाड़ी। जाम से शहर हलकान है, आए दिन म्यूजियम गुमती के गिरे रहने से घंटों गाड़ियों से जाम की नौबत आ जाती है। ट्रेन के आने में विलंब रहने पर भी घंटों पहले गुमती गिरा दिया जाता और ट्रेन के गुजरने के घंटों बाद तक यही हालात रहते हैं। यह एक गुमती की बात नहीं है, यह दोनार गुमती का भी यही हाल है। कहें तो कठलवाड़ी ओवर ब्रिज के लिए रेलवे ने अनुमति भी दे दी है कि रेलवे फाटक वहां से उसका रास्ता निकलेगा। 7 सैंक्शन भी है, 1 की अच्छे से मरम्मती भी की गई है, उसके रोड की रिपेयरिंग की गई है जो जगह जगह टूट गया था, लेकिन अभी 7 सैंक्शन है और 1 पे ही भारी दबाव पड़ रहा है जो कि म्यूजियम गुमती है। म्यूजियम गुमती यहाँ से हर किनारा होकर के गुजरता है और यह मेन सड़क का गुमती माना जाता, जिसकी वजह से इस पर दबाव है और यह आए दिन जाम से जूझता रहता है। कोरोना का कहर जारी, बुधवार को 1 दर्जन कोरोना संक्रमित मिले। प्रशासन ने शहर के आधा दर्जन इलाके सहित 1 दर्जन कंटेनमेंट जोन घोषित किया।
कोरोना की काली याद एक वर्ष पूर्व 7 अप्रैल 2020 को थम गई थी दुनिया, सहम गए थे लोग, एक वर्ष बाद भी कोरोना रिटर्न्स का खतरा। और सपना ओवर ब्रिज का बात सब्ज बाग की, उम्मीद ऊपर से गाड़ियां तेज से चलने की, लेकिन वर्तमान में रेलवे गुमती के पास भीषण जाम से हर कोई हलकान। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों को समेटे होगी पुनः मुलाकात। तब तक नमस्कार, जय।